वेलकम डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप हम जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो क्वेश्चन बनता ही बनता है। जेडब्ल्यू में से उठा लो, प्रीवियस ईयर निकाल के चेक कर लो, बनेगा। नीट में चेक करोगे वो भी मिलेगा, महाराष्ट्र सिटी चेक करोगे वहां पर भी मिलेगा, बोर्ड के नजरिए से देखोगे तो भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अभी स्ट्रेन एनर्जी क्या है, देखो इसको समझाता हूं इस तरह से कि मान लो डस्टर है, मैंने इसको उठाया, अभी डस्टर उठाया, उठा के छोड़ा तो नीचे क्यों गया? आप सब लोग जवाब दोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गया, बराबर बात है एकदम। पर मैंने जब इसको उठाया था तो उसको उठाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब मैंने वर्क किया, तो मैंने वर्क करके क्या किया, मैंने वर्क करके इसकी पोजिशन को बदल दिया। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, बराबर, ये बात हम पहले सीख चुके थे। अब देखो यहां पर क्या है, वायर के केस में क्या हुआ कि मान लीजिए वायर है, ये मान लीजिए वायर की लेंथ है, थोड़ा समझते जाना, डेटा को देखते जाना। मान लो इनिशियल लेंथ वायर का 1 मीटर है, ठीक है, लेंथ 1 मीटर है, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है, हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझना बच्चों ध्यान से, कि पहले कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, 1 मीटर लेंथ है। अब मैंने क्या किया, फोर्स बढ़ाया, मैंने पहले फोर्स लगाया 0 से 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। देखो 1 न्यूटन फोर्स लगाता तो क्या होता, बोले सर 1 न्यूटन के कारण डिस्प्लेसमेंट होता, और डिस्प्लेसमेंट होकर ये वायर हो सकता था 1 न्यूटन के कारण थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता था, आगे बढ़ जाता था हल्का सा, तो ये लग गया 1 न्यूटन का फोर्स। अब आइए ध्यान से, मैंने 1 न्यूटन के प्लेस पे और लगाया फोर्स, और बढ़ाया 2 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाया, फिर फोर्स बढ़ा। अच्छा मैं जब फोर्स बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, बोले आप ही बताओ सर क्या हो रहा है। जब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ रहा है, मतलब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ रहा है, और इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ रहा है मतलब पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रही है, पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रही है। अपने आप हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रही है, मैं खींच रहा हूं लेंथ बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, तो मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, उससे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे क्या बदल गया है, पोजीशन बदल गया है। तो मैंने जो वर्क किया वो इसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर पाया जाता है। अभी जो फोर्स लगाया गया मान लो 1 न्यूटन से बढ़ा के आखिरी में जब आपने 10 न्यूटन कर दिया होगा तो फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ाई होगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9 और लास्ट में 10। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू 10 आपके पास मौजूद है, बराबर है ना स्टूडेंट्स? तो मान लो स्टार्टिंग में फोर्स 0 था, लास्ट में F कैपिटल F हो गया, तो मैं बोलूं टोटल एवरेज फोर्स कितना हुआ, बोलो एवरेज फोर्स कितना हुआ, तो एवरेज निकालोगे 0 + F/2, तो एवरेज क्या निकालोगे, एवरेज 0 + F/2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप इसको ऐसा समझो कि लास्ट में जब टोटल फोर्स कैपिटल F मैंने लगा दिया होगा तो लास्ट में जो फाइनली लेंथ बदल गई होगी इसकी इनिशियल लेंथ से, ये लेंथ आपके पास में इनिशियली 1 मीटर मान लो आपके पास में लेंथ L है, फाइनली लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, कैपिटल L प्लस स्मॉल L, तो फाइनल लेंथ हो गई कितनी, कैपिटल L प्लस स्मॉल L, तो ये आया टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ। मान लो ये 1 मीटर था आपके पास में और ये आपके पास में हो गया 1.4 सेंटीमीटर, तो आप चलो बताओ सब स्टूडेंट्स मिलकर कितना बड़ा ये, तो बोले सर ये 4 सेंटीमीटर बड़ा, 4 सेंटीमीटर बड़ा। तो मेरा कहना है 4 सेंटीमीटर आया कैसे होगा, बोले सर 0 से कभी 1 हुआ होगा, 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 3 हुआ होगा और 3 से 4 हुआ होगा, बराबर है, इंक्रीमेंट हुआ। अब देखिए बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैंने कितना वर्क किया और कितनी एनर्जी स्टोर हुई ये निकाला जाए, कि मैंने जो वर्क किया उससे एनर्जी कितनी स्टोर हुई ये निकाला जाए, बराबर, चलिए निकाला जाए। तो वर्क किसी टाइम पर, किसी समय पर जब टोटल चेंजेस आ चुके होंगे, फाइनल स्टेट अचीव हो गई होगी, तो मैं इसको लिखूं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड टू स्ट्रेन से, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, वाई टोटल चेंज ओरिजिनल लेंथ, तो मैं लिख कह सकता हूं भाई फाइनली फोर्स आएगा वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ऐसा कह सकता हूं, बराबर है। अब क्या हुआ भाई, ये सफर कहां से शुरू हुआ, बोले सफर ये 0 सेंटीमीटर से शुरू हुआ, कितने इंक्रीमेंट के सेंटीमीटर तक चला, बोले सर ये 0.4 सेंटीमीटर के इंक्रीमेंट तक चला। तो भाई 0 से 4 के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कभी तो बड़ा होगा, यस नो, तो बड़ा होगा डेफिनेटली। तो मैं कोई सिचुएशन मान लेता हूं जिस केस में
मैं कोई छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं इसका, जिसका यहां से लेंथ एक्स है, और मैं थोड़ा फोर्स लगाकर उस समय जो फोर्स लगा रहा हूंगा, तो देखो फोर्स भी लीनियरली बढ़ता है। सर मतलब क्या? सर भाई जीरो से फोर सेंटीमीटर तक खींचने के लिए, वापस सुनना, जीरो से फोर सेंटीमीटर तक खींचने के लिए, जीरो से थोड़ा खींचा तो थोड़ा बड़ा, थोड़ा और खींचा और बड़ा, और खींचा और बड़ा, और खींचा और बड़ा, मतलब दोनों चीजें बढ़ रही है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो भाई जब एक्स खींच चुका हूं मैं, या एक्स इसकी लेंथ है, एल से बढ़कर एक्स है, एल से बढ़कर एक्स से मतलब एल प्लस समथिंग है, बराबर है, ये एक्स क्या है, तो मान लो एल प्लस समथिंग वाई लेंथ है, ऐसा मान के चलो, कुछ तो भी इंक्रीमेंट है। तो अब बताइए थोड़ा सा ध्यान से, उस समय पर फोर्स कितना होगा, उस समय पर फोर्स कितना होगा? तो सिंपली फोर्स उस समय पर मान लेता हूं मैं फोर्स एफ है। तो भाई जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं एक्सटर्नल एजेंट और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब मैं खींच चुका हूं एक्स तक आ चुका है, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वही रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया वाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर है बच्चों? मान लो ये x यहां से तक का लेंथ है, और अगर मान लीजिए मैं x एक्सटेंशन ले लेता था कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, तो किसी टाइम पर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को अगर लिया जाए किसी भी टाइम पर, मान लीजिए मैं लेता हूं ये एक्सटेंशन x है और ये l है, तो देखो स्टूडेंट यहां पर हम बात कर रहे थे कि यहां पर जीरो से l मतलब 1 मीटर से 1.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हुआ, तो जीरो से कभी 1 हुआ होगा, कभी 2 हुआ होगा, कभी 3 हुआ होगा, कभी 4 सेंटीमीटर हुआ होगा, तो कभी 0 से 4 सेंटीमीटर तो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। मान लेता हूं मैं 0 से 2 सेंटीमीटर, ये कोई एक्स वैल्यू है, मतलब 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन फाइनल एक्सटेंशन नहीं है, तो 0 से 4 के बीच में कोई भी एक पॉइंट बात करो जहां पर हम बात कर रहे हैं। तो हमने ले लिया कि भाई वायर में जब एक्स एक्सटेंशन हुआ होगा, जब वायर में एक्स एक्सटेंशन हुआ होगा तो उसकी लेंथ हो चुकी होगी एल प्लस एक्स, इसकी लेंथ हो चुकी होगी एल प्लस एक्स, ये रहा नेचुरल लेंथ एल। यहां से मान लेते हैं कि भाई यहां से उसका लेंथ एक्स बढ़ गया होगा, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 0.4 तक जाएगा, मतलब एल तक होगा फाइनली। तो इस समय पर लगने वाला जो फोर्स है, क्योंकि मैंने बोला कम लेंथ बढ़ी मतलब कम फोर्स लगाया, थोड़ा और फोर्स बढ़ाया ज्यादा लेंथ बढ़ी, और फोर्स बढ़ाया ज्यादा लेंथ बढ़ी, और फोर्स बढ़ाया ज्यादा और लेंथ बढ़ी, मतलब क्या हुआ भाई, लेंथ एक्सटेंशन के साथ साथ भी अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है ना, तो एक्सटेंशन ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए मान लो मैंने एफ फोर्स लगाया, तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया वाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये उस समय का फोर्स आ गया वाई ए एक्स अपॉन एल। अब मैंने इसी फोर्स से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हल्का सा डिस्प्लेस किया डीएक्स, मान लो मैंने फोर्स लगाया, इसी फोर्स से हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया डीएक्स, एंगल देखो कितना है थीटा, जीरो, और देखो एक्स चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है वक्र निकालना है, और जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो इंटीग्रेशन अप्रोच यूज होता है भाई, फोर्स वेरिएबल इंटीग्रेशन अप्रोच यूज होगा, इंटीग्रेशन अप्रोच यूज होगा, वक्र निकालना है, छोटा सा वक्र, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉस जीरो, और ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए dw का इंटीग्रेशन, फोर्स कितना y a x अपॉन l dx आपके पास में। तो कहां से कहां तक हम बात कर रहे हैं, cos 0 प्लस 1 होता है, दैट इज द cos 0 इज प्लस 1, आइए इंटीग्रेशन dw, w लिख देते हैं, है ना, वो अब लिमिट कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही, बोले सर बोले 0 से 1.4 सेंटीमीटर तक हो रही है, तो ये x की वैल्यू 0 से 4 मतलब l फाइनल l तक एक्सटेंशन हो रहा है, तो y a अपॉन l 0 से स्मॉल l इंटीग्रेशन x की पावर dx 0 टू स्मॉल l। अच्छा हम पहले भी सीख चुके हैं इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, x की पावर n dx होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, तो x की पावर 1 dx का फॉर्मूला कितना होगा, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, जब ये आएगा तो इसे फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, हम लिख पाएंगे वर्क डन W इक्वल टू Y A अपॉन कैपिटल L
एक्स स्क्वायर अपॉन टू जीरो से लेकर कितना, तो जीरो से लेकर एल तक की हम बात करें, जीरो से लेकर एल तक की। आइए और क्या मतलब निकलेगा इसका, तो इसका मतलब निकलेगा डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन टू वाई ए अपॉन एल एक्स स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू एल वाई ए अपॉन एल एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, तो हाफ वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। और देखो मैंने अभी आपके सामने लिखा था, क्या लिखा था स्टार्टिंग में चेक कर लेना, वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या होता है, तो डब्ल्यू हाफ टोटल फोर्स अप्लाइड इंटू एल एक्सटेंशन होता है, टोटल फोर्स अप्लाइड इंटू एक्सटेंशन होता है, यह ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो एक मेथड हो गया कि जितना वर्क करना पड़ेगा वो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इतना वर्क करना पड़ेगा एक तरीके से हमने निकाला। अब देखो दूसरा तरीका और है जो कि आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, फिलहाल टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, तो आप ये देखिएगा थोड़ा सा इस बात को कि भाई मान लो टोटल लेंथ एल था, फोर्स एफ लगाया किसी समय पर, जब आपने क्या किया इनिशियली फोर्स की वैल्यू जीरो थी, कुछ लगाया ही नहीं था तो इनिशियल लेंथ एल था, फाइनली जब आपने फोर्स लगाया कैपिटल एफ तब तक फाइनल एक्सटेंशन जो हो गया वो स्मॉल एल हो गया, नेचुरल लेंथ एल थी, तो भाई फोर्स की वैल्यू लिनियरली कहां से कहां बढ़ी, तो जीरो से एफ बढ़ी, तो एवरेज वैल्यू कितनी निकली, तो एवरेज फोर्स आपके पास में आ चुका है जीरो प्लस एफ डिवाइड बाय टू, तो ये हो गया एफ बाय टू। अब एवरेज फोर्स आ गया वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी एक्सटेंशन हुआ है, एवरेज फोर्स इंटू कॉस जीरो, डायरेक्ट लगा दीजिए एवरेज फोर्स निकल के, तो एफ बाय टू इंटू एल ये आ गया आपके पास हाफ इंटू एफ इंटू एल। तो एफ को क्या कहा जाता है, तो वर्क डन दैट इज हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, लोड इंटू एक्सटेंशन, बराबर है। ये कोई एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है या कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आइए इसमें एक और बात समझते हैं हम लोगों ने कह दिया आपके पास में हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन आ गया, यही एनर्जी के फॉर्मेट में सेव हो चुका है, लोड आ चुका है फोर्स इंटू एक्सटेंशन। मैं अपनी मर्जी से ए मल्टीप्लाई और ए डिवाइड करता हूं, यहां से एल मल्टीप्लाई और एल डिवाइड करता हूं, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। अब देखो टोटल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और टोटल लेंथ, तो यहां से यहां तक का लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम छोटा वाला यू, इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी का यूल यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो आप इसे निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी जब आएगा स्टूडेंट्स, है ना, तो आप इसे क्या लिख पा रहे हैं चेक करो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इसे लिखा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक तरीका और देखो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिखने के बाद कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र सीटी हो जेडब्ल्यू मेंस में भी इसका कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए यहां पर ये पूछा ही जाता है। आप एनर्जी डेंसिटी की बात कर चुके हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इसका एक फॉर्मेट और है बाय हुक्स लॉ, कौन से लॉ से, हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ से आप जानते हैं क्या सर, बोले स्ट्रेस इक्वल टू होता है वाई इंटू स्ट्रेन, हाँ बोले सर होता है ना, हाफ स्ट्रेस की वैल्यू क्या लिखो, वाई इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, तो आप लिख पाएंगे यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, एक तो तरीका ये हो गया। अब आप चाहो तो यहां से ऐसा भी लिख सकते थे, स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, जैसे लिखा। आइए फिर क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा यू इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, देखिए अब क्या फर्क पड़ा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बाद यू इक्वल टू लिखा हाफ, अच्छा स्ट्रेन को क्या लिखा, स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई, अच्छा स्ट्रेस तो पहले से था अब यहां पे लिख दिया स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, ये आ जाता है आपके पास में। तो तीनों के तीनों एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन वर्क डन होता है, एवरेज मेथड से निकालो, इंटीग्रेशन मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से निकालो, आपको आंसर मिलने वाला है।
रोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव